हाँ, आज जो सिंड्रेला मेरे साथ बैठी है ये अपना 8 साल पहले यहाँ जूता भूल के गई थी, आज वापस आई है और मैंने सारे दरवाजे लॉक कर दिए। इन्होंने अपना आगाज मॉडलिंग से किया लेकिन बहुत जल्दी रियलाइज कर लिया कि असल रोकड़ा जो है वो एक्टिंग में है। अक्सर ये इंस्टाग्राम पे बिला वजह डांस कर रही होती है, जिससे मुझे लगा कि ये शायद फरियाल महमूद की बहन है, लेकिन फरियाल महमूद की बहन बनने को तो कोई भी तैयार नहीं है। ये रहती दुबई में है क्योंकि इनके मामू गैंगस्टर हैं और स्मगलर भी, इसलिए महेश इनके पैसे नहीं रोकता। आइए मिलते हैं इस परी से जो बहुत जल्दी रियलाइज करने वाली है कि इन्होंने गलत बंदे से शादी कर ली है, क्योंकि आज मैं मुकम्मल तौर पे अपने प्यार के जाल में इनको फंसाने लगा हूँ। प्लीज वेलकम द एक्सट्रीमली टैलेंटेड, ब्यूटीफुल एंड मिस्टीरियस मिस्टर दर्नेश खान। मिस दर्नेश खान, व्हाट एन इंट्रोडक्शन। थैंक यू, बहुत आला। मैं तो और भी बहुत कुछ कहने वाला था लेकिन अभी कौन रोक रहा आपको? अच्छा ये बात है, जबरदस्त यार, आप बड़ा तैयार हो क्या ये मेरे लिए? बस मैं प्रेशर था ना, या कहीं जा रही है यहाँ से और मुझे चाय बना रही है। अक्सर लोग आते हैं यहाँ बड़ा एहसासीन बन के और फिर आगे निकल जाते हैं, सैटरडे होता है ना वो, फिर आगे निकल जाते हैं। मैं कहता हूँ वो आसिम जोफा के लिए तैयार हुई थी आप। तो आप मेरे लिए? हाँ जी बिल्कुल, आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। इसके बाद मैं घर जा रही हूँ सोने वाली। नहीं नहीं, हम जोफा की तरफ चलेंगे ना साथ। अच्छा चले, है ना, जोफा यहाँ है नहीं लेकिन चले। आप कह रहे मेरी भी थोड़ी वैल्यू बढ़ जाएगी, इतनी हसीन लड़की मेरे साथ अगर जा रही है तो डोंट माइंड हस्बैंड, बट यू नो इट्स ऑल गुड। मेरा पहला सवाल दर्नेश खान, आपको ये पहली बार कब पता चला कि आप एक कन्फ्यूज लेस्बियन है? अभी पता चल रहा है मुझे। अच्छा आप नहीं है क्या? ना तो मैं कंफ्यूज्ड हूँ। आपके विकिपीडिया पेज पे लिखा है दर्नेश खान इज अ लेस्बियन पाकिस्तानी एक्ट्रेस, गलत लिखा है वो। अच्छा मैंने ना वीपीएन लगाया हुआ है तो मेरे पास दूसरे विकिपीडिया के पेजेस आते हैं जो लोगों ने बनाए होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं मैं वो नहीं हूँ। अच्छा। आपको शायद गलत फहमी हुई है। हम और इसको एक्सप्लोर करेंगे। ये बताएं कि आपने बड़ी कम उम्र में, ये मैंने ऑनलाइन पढ़ा सही वाले विकिपीडिया में, कि आपकी बड़ी कम एज में शादी हो गई थी, तो आपको किस बात की जल्दी थी भाई? दादी बीमार थी क्या? तो पोलियो था आपको, क्या मसला था आपको? दुबई क्या फटने वाला था? मुझे बहुत अक्सर गुस्सा आता है जब प्यारी लड़कियां बहुत कम उम्र में शादी कर लेती हैं। हम लोग, हमारे इंतजार नहीं कर सकती थी आप? बाद में भी करती तो कुछ खास बदलना नहीं था, करनी मैंने वही थी, वही करनी थी। हाँ। आप मेरे से मिली जो नहीं थी ना यार। हाँ, ये भी तो देखें, ये गुल बदन किसी से रिजिस्ट हो सकता है? कैसे हो सकता था? मतलब इन अ वे माय हस्बैंड शुड बी थैंकफुल ये मेरे से नहीं मिली ना, कि आपसे पहले नहीं मिल गई। नहीं, अभी भी टाइम है, बहुत लोगों को मैंने टर्न किया है ना, लेकिन नहीं मुझे नहीं लगता अब, आई थिंक स्पेशली लेस्बियंस को। दर्नेश, आप मेरे अलावा इंडस्ट्री में कितने जो लोगों को जानती है जो वर्जन हैं अभी तक? सब देखो, अदनान हो गया, बिकॉज़ अगर आप वर्जन हैं देन आई बिलीव वर्जन का मतलब ही कुछ और है यहाँ। नहीं वही मतलब, सो इन दैट रिगार्ड सील पैक ब्रांड न्यू रिबन लगी हुई। हाँ रिबन लगी हुई, हाँ बस। देखो एक तो हो गया, एक तो हो गया अदनान सिद्दीकी, वो तो हाँ, एक हो गया हुमायूं, of course top of the list, इजाज तो असल में खुदा की कसम। ओके ये है सिंगिंग राउंड, आपका फेवरेट। ओह यस, मैं आधे लिरिक्स बोलूंगा और आपने इसका आगे गाना होगा, रेडी हैं? तू प्रेमी आहा, मैं प्रेमी आहा, तू राजी आहा, मैं राजी आहा, फिर क्या डैडी क्या अम्मा, एक बस तू ही प्यार के काबिल, सारा जहां है निकम्मा। पुरानी सोल है ये, उन्हीं का गाना है, नहीं दूसरे सिंगर का गाना है। सुनो सुनो बोलो बोलो, ये सुना है आपको? मेरी शो पे सुना होगा आपने, है ना? मेरा तुम पे दिल आ गया, मेरा तुम पे दिल आ गया, उसकी जुल्फे खुली तो लगा यूं मुझे, घटा छाए 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 छाए, टिंग टिंग, ऐसी उलझी न करूंगी हटती नहीं, से रेशमी डोर कटती नहीं, अल्लाह ये दुआ हो गई है, दिल तो बच्चा है जी, दिल तो बच्चा है जी, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे। आगे कौन है? गाए ना ऐसी बातें, आप ऐसी बातें किया ना करो, मैं भी पता है जगह लगाना, आज जाने की जिद ना करो। बहुत खूबसूरत बेटा, इसको ऐसे ले लो, ये जगह लेते हैं ना मूर्खियां, मैं आपको सुनाता हूँ, ये है देखो, हाय मर जाएंगे। कि आप करें ना कि
हाय मर जाएंगे, हाय मर जाएंगे, हिलाओ मर जाएंगे, हाँ ठीक है, हम तो लुट जाए, हम तो लुट जाए, ऐसी बातें क्यों। ये तो बहुत अच्छा है, जो आपने नोट पकड़ा है ना, मैं लगता वहां पहुंच पाऊंगी। ये ट्राई करें, हाय वाला, ऐसी बात ऐसी बातें 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 करें ना, मजा आ रहा है यार। ये मेरे तक नहीं पहुंच सकती है, अभी तो फन शुरू हुआ था। ओके, ये मेरा फेवरेट धनिश जी, आ जाओ वापस। जी आ गई। चुरा के दिल मेरा गोरिया चले, क्या था ये, ऐसी करें ना मेरी तरह, ओवर अक्षय की तरह, चुरा के दिल मेरा गोरिया चली। आपका पहला सीरियल था मोहब्बत अब नहीं होगी, तो मेरी जान, मेरे मुझे कभी जिम क्लोज में देखो, फौरन हो जाएगी, है ना, मुझे अभी हो रही है, हो रही है ना। हाँ, यार ये लड़की इज फ्रेंडली, सारा मुझे लड़कियां गालियां देके जाती है, बट आई एम गेटिंग अ नाइस वाइफ फ्रॉम हर। यू आर प्रोबब्ली द ओनली वन सेइंग दैट बाय द वे इन द इंडस्ट्री, दैट आई एम। अच्छी वाइब आती है? नहीं, अच्छी वाइब तो आती होगी, बट दैट आई एम वेरी नाइस। क्योंकि पता नहीं, फॉर सम वियर्ड रीजन, जो भी मुझे फर्स्ट टाइम मिलता है उसको लगता है कि पता नहीं मैं क्या ही कर दूंगी, इंटिमिडेट हो जाते हैं, इंटिमिडेट हो जाते हैं, आई डोंट नो, उनको लगता है कि शायद लड़का ही हॉट हेड है या, अच्छा ऐसा लगता है। हां, दे से पीपल ऑफन टेल मी, मेरी मुझे तो सिर्फ प्यार प्यार और बहुत अच्छी आपकी बात भी तो लग है ना। हां, मुझे सिर्फ प्यार और खुशबू आ रही है, बड़ी जबरदस्त है। मुझे प्लीज ये नाम बताइएगा। ओह वेरी नाइस, आई वांट टू गिव इट टू माय गर्लफ्रेंड। आप ही को वापस दे दूंगा। अच्छा अच्छा, आपका दूसरा सीरियल था ढोल बजने लगा, तो आप मुझे बताती, मैं ढोल फाड़ देता। मैंने वो एक्चुअली पहला था, वो पहला था, तब नहीं होगी, दूसरा था। अच्छा, वो दूसरा था, मैंने उल्टा कर दिया इसको। नहीं, वो आप मुझे बुलाती, मैंने बड़े बड़े फाड़े हैं ढोल, डफलियां, ढोल। तो ये मैं तो कहती हूँ कि देर थोड़ी हुई है, अब फाड़ लेते हैं, अभी फाड़ लेते हैं, अब मिल के फाड़ते हैं सबकी ढोल। ट्रू और फॉल्स राउंड की तरफ चलते हैं। मैं असल में फैसलाबाद से हूँ, लेकिन नो को दुबई का कहती हूँ, क्योंकि उससे वैल्यू बढ़ती है। मैं एक्चुअली पैदाइश लाहौर की है, तो यही बताती हूँ सबको। के? लेकिन मुझे फैसलाबाद ही बड़ा पसंद है यार। खाने खाए हैं आपने वहाँ के? हाँ, मैंने वो खाए थे चिड़े। अच्छा। लेकिन यार उनने मुझे जिंदा दे दिए, मैनेज किया आपने। मैं आई हूँ इंडस्ट्री में थोड़ा सा सैक्स फिलाने, क्योंकि बाकी को ये काम नहीं आता, बाकियों को ये काम नहीं आता, ये मुझे काफी हद तक बात सही लग रही है। लेकिन मैं, ऐसा कोई इरादा नहीं था मेरा। नहीं, अच्छा, मेरा असल पैशन डांस है, लेकिन यहाँ लोग बुरी नजर से देखते हैं, इसलिए मैं एक्ट्रेस बन गई। नहीं, मुझे एक्ट्रेस बनना वाज मोर ऑफ अ डेस्टिनी देन चॉइस, लेकिन हाँ, डांस फर्स्ट पैशन, डांस माय फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, लाइक वन थिंग दैट आई लव टू एक्सप्लोर। आई आल्सो लव इट, मैं डांस क्लासेस देता हूं लोगों को। आप इतना अच्छा, मतलब अभी एंड में करेंगे ना? हाँ, अभी एंड में देखना, आपके लिए मैंने स्पेशली नए स्टेप सीखे। नहीं यार, आप मेरे तक पहुंच नहीं पाएंगी। वो पुराना वाला मैं प्रैक्टिस करके आई हुई थी। वो तो होगा ही होगा। अच्छा, लेकिन आप मेरे तक नहीं पहुंच पाएंगी। रियली? यस। चले, यहाँ बड़े बड़े आए थे जिनको मैंने नचवा दिया यहाँ। एक दो ने चपेट कराया, तो मैं आपका मुकाबला नहीं कर पाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, एक दो में जरा थोड़ा सा फिर ना इंटेंस हो जाता हूँ, तो मुझे एक दो ने चपेट मार दिए, एक ने ग्लास तोड़ दिया मेरे सर पे, और एक ने जो है ना टांगों के बीच में मुझे मांगी 2 साल पहले। अभी तक जो है ना मैं नॉर्मली, आज क्या होता, हाँ मेरे दिमाग पर बड़ा असर पड़ा इसका। मैं फिल्में इसलिए नहीं करती क्योंकि प्रोड्यूसर के साथ फिर डिनर्स पे जाना पड़ता है, और उनके बच्चों की बर्थडे पार्टीज पे अटेंड करनी पड़ती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, नहीं। तो मैं मूवीज इसलिए नहीं करती क्योंकि अभी तक मुझे कोई मेरी मर्जी का स्क्रिप्ट ऑफर ही नहीं हुआ। मेरी जान, मैं लिखूंगा। आप लिखे ना, आज ही रात। मैं तो कहती हूँ अभी यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट साइन करके जाऊंगी, आज ही रात लिखूंगा। बस मुझे वो लोग सख्त पसंद है जो बात करते हुए मेरे चेहरे के अलावा बाकी हर जगह देख रहे होते। वो लोग मुझे सख्त पसंद है। हाँ, मैं कहता है मैं कान के नीचे एक दूं और मैं भी, मेरा भी दिल कहता है बोलूं ये है चेहरा, यहाँ से बात हो रही है। ये कुछ फैमिली फिल्म्स हैं जर्निश, आप अगर डायरेक्टर या राइटर होती तो इनकी क्या स्टोरीज होती? रेडी हैं आप? एस वेंचुरा, क्या स्टोरी लाइन होनी चाहिए? तो जिम कैरी की मूवीज नहीं आई थी? बिल्कुल बिल्कुल नहीं एक्सप्लेन करना आपने, पहुंच गई हूं मैं। क्या एक लाइन में स्टोरी बताएं इसकी? आई थिंक ये एक बहुत घरेलू मूवी साउंड कर रही है मुझे, है ना, एक बहुत फैमिली मूवी। I know who you did last summer. I know who you did last summer. क्या स्टोरी लाइन होगी? वैसे तो टाइटल नहीं बता दिया, तो चेंज करना चाहेंगे इसमें आप?
ये इसमें मैं कास्ट करना चाहूंगी। दो घंटे की मूवी कैसे बना सकता है कि अभी मुझे पता है आई नो हु यू डिड लास्ट समर, फिर क्या करें भाई, माफी मांगे, चलो 5 मिनट निकल निकल गए। हां तो मूवी बन सकती है एक, यू नो कि हाउ डू यू नो इट एंड देन व्हाट कैन यू डू विद दिस इंफॉर्मेशन। ओ मिस्ट्री, आई लाइक द वे यू थिंक। स्लटर आइलैंड, शटर आइलैंड, शटर है कि स्लटर है पता नहीं, मेरी नजर ये ग्लासेस क्यों लगाए हुए आपने, इतनी कमजोर नजर है आपके। ये सेक्स स्टेटमेंट है, मतलब स्टाइल स्टेटमेंट है। ठीक ठीक ग्लासेस नहीं आजकल एक्टर्स ने लगाए हुए होते। इसकी स्टोरी ये होनी चाहिए कि एक आइलैंड है जिसपे बंच ऑफ चिकास। हमारी रिसर्च ने बताया कि आप डॉक्टर बनना चाहती थी। हैं कभी नहीं, मेरा तो चांस ही ना लगता। ऑनलाइन लिखा हुआ है क्या, शी वांटेड टू बी डॉक्टर? नहीं, माय फैमिली वांटेड मी टू बी अ डॉक्टर, बट मेरा कोई चांस नहीं है। अच्छा, बिकॉज़ मैं उतनी, आई डोंट थिंक आई एम एज ब्रेव एज इट रिक्वायर्स। पेट वेट नहीं खोल सकते, राज नहीं कर सकते, पेट नहीं खोल सकते, खून नहीं देख सकती, दर्द नहीं देख सकती, लोगों को तकलीफ में नहीं देख सकती। वैसे मेल एनाटॉमी जो है इतनी खूबसूरत है भी नहीं वैसे कि बंदा डॉक्टर बने। इसमें से लाइफ में क्या रिग्रेट करती है जर्नेश? कभी किसी ऑर्जी पे नहीं जा पाई, मुझे भी इस बात का दुख है। माइल हाई क्लब की मेंबर नहीं बन सकी आप, माइल हाई क्लब होता है ना कि जहाज में इंटरमेड होना, सेक्स चेंज नहीं करा पाई और लास्ट में लेस्बियन इनकाउंटर नहीं, वो तो हो गया। ओके, ये गेज का तो पता चल जाता है उनके बिहेवियर से, ये लेस्बियंस की क्या निशानी होती है जर्निश? सैंडल्स, जूते जूतों से पकड़ी जाती हैं। I don't know. Lesbians एक specific किस्म के जूते पहनती हैं। यार ये बड़ी insightful बात की है, इन्हें मुझे कभी किसी ने नहीं बताई। मैंने 15,000 किताबें पढ़ी हैं lesbians के ऊपर, लेकिन कहीं इन्हें लिखा था यार ये बड़ा समझ जूते। पता नहीं, मुझे तो जिसके जूते थोड़े मर्दाना लगे मुझे लगता है कि वहाँ खराब है। ऐसे जूते दिखा के फंसाती हैं लड़कियों को। ये तो आपको उनसे पूछना चाहिए ना, मुझे क्या पता कैसे फंसाती हैं। याद है मेरे मोजे कैसे सेक्सी हैं, बहुत आला रेनबो, मतलब किसी और ही कलर्स में, लेकिन हाँ सर मैंने वो ना 12 अंडरवेयर खरीदे थे उसमें से बच गया था तो मैंने मोजे सिलवा लिए। वेरी नाइस। हमारी रिसर्च ने ये बताया जर्निश कि आपको रेसलिंग देखने का बहुत शौक है। हाँ जी सर, देखा रिसर्च अच्छी है ना हमारी, तो आपको मुस्टंडे बड़े बड़े फौलादी छोटी चड़ियों में मर्द अच्छे लगते हैं एक दूसरे को पटाखे देते हुए? मैं बचपन में एक्चुअली मुझे बहुत शौक था, अब नॉट सो मच। बचपन में तो और छोटी चड़ियाँ पहनते थे वो, अच्छे लगते थे। अब फिर वो उन्होंने कवर कर लिया है, थोड़ा सा PG-13 कर लिया है, पहले तो काफ़ी मतलब ऐसी। आप एक्ट्रेस नहीं होती तो इनमें से क्या होती? मोमना दुरैद होती, ऑल बॉय स्कूल में टीचर होती, WWE पहले लिखा हुआ गया, WWE रेसलर होती, या फिर एडल्ट फिल्म्स की हिदायतकार होती? आई थिंक मैं मोमना दुरैद होती। मोमना दुरैद ही होती, मुझे अच्छी लगती है, इंस्पायरिंग लगती है उनकी पर्सनैलिटी। मुझे भी बहुत लगती है। एक लड़का चल के आ रहा हो अभी, उसने बात नहीं की, उसमें पहली चीज़ क्या नोटिस करती है? चेस्ट, थाइज, मैं आगे नहीं बोलता आप बताएं क्या नोटिस करती है, सच बताना मुझे बिल्कुल। मैं ओवरऑल अपेरेंस नोट करती हूँ, सर से पांव तक, सब कुछ, सब कुछ। परफ्यूम पे ज़्यादा मेरी नज़र जाती है, मतलब आई मीन ध्यान जाता है उस फिलहाल तो मुझे अपने ही परफ्यूम की आ रही है, विच इज़ रियली नाइस। ओए वो नई वाली शीशी लेके आओ, ब्लू वाली। लेकिन मैं ओवरऑल अपेरेंस सब होना चाहिए, बॉडी भी होनी चाहिए, कपड़े भी अच्छे पहने, और जब वो जा रहा हो भी अच्छे पहने, इतना मैं दिखती नहीं हूँ, मतलब चल झूठी। हाँ मुझे बहुत नहीं, ये वैसे सच्ची बात है। एक कामयाब एक्टर या एक्ट्रेस बनने के लिए इनमें से क्या जरूरी है? टाइट फिटिंग वाले कपड़े पहन के पहले सेट पे आओ, महेश के साथ सीक्वेंस खेलना बिकॉज ही लाइक्स प्लेइंग सीक्वेंस, अवार्ड्स पे इकोनॉमी क्लास के टिकट पे मान जाना, चाहे साउथ अफ्रीका एंटार्क्टिका में हो रहा हो। आई थिंक महेश के साथ सीक्वेंस खेलूंगी, मुझे भी सीक्वेंस खेलना पसंद है। पसंद है। एक साइट पे लिखा हुआ था द फॉलोइंग, इसमें कितना सच है? सैलरी USD 1K अप्रॉक्स, नेटवर्थ USD 1 million अप्रॉक्स। ओह इतना एक्यूरेट कौन बता रहा है आपको? कौन ये, है ये मेरी अपनी तो नहीं टीम लीक कर रही? अच्छा देखे है भी कॉपी पेस्ट, मैंने नहीं लिखा है। बहुत आला ये, सो एक्यूरेट। इनमें से कौन सा जुमला आपको सही मानों में कंप्लीट डिफाइन करता है? कंप्लीट डिफाइन नहीं, सिर्फ डिफाइन करता है। प्यार से डर नहीं लगता साहेब, थप्पड़ से डर लगता है। नहीं मैंने उल्टा बोल दिया, थप्पड़ से डर नहीं लगता साहेब, प्यार से लगता, प्यार से लगता। ऑप्शन 1। नंबर 2, ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट मेरी बंद है। नंबर 3, निगोड़ी कैसी जवानी है ये बात सुने ना मेरी। ये दूसरा वाला जो है मेरे पे सूट करता है, जो मैंने किसी को भी, अच्छा और भी चले सुन ले, मेरी पैंट भी सेक्सी, नंबर 1 क्वालिटी फोम, ये दुनिया पित्तल दी बेबी डॉल में सोने दी, ये दुनिया पित्तल दी बेबी डॉल में सोने दी।
ये सही करता है। और आपने कहा कि ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट मेरी बंद है। बेबी डॉल में सोने दी लेकिन लिफ्ट मेरी बंद है। क्या चाहती हैं आप यार? बस ऐसे ही है, क्या करें। ये वो लड़की है, टीज करके जो है ना भाग जाती है खुद ही, ये वो वाली लड़की लग रही है मुझे। टीज अब खुद ही से कोई हो जाए तो बंदा क्या कर सकता है, इंटेंशंस नहीं होती। इतनी अच्छी ना लगा करें ना आप जर्निश, इधर देखें जी। ये है कंपटीशन राउंड। अगर okay. आपका इमरान अशरफ से कंपटीशन हो लोगों को पकाने का तो कौन जीतेगा? मैं भी वैसे बहुत पका सकती हूँ, इंटरेस्ट मेट ना कीजिएगा। मैं नहीं मानता। हाँ। आप स्वीट है बिल्कुल। अगर आपसे, अच्छा कौन जीतेगा? आप जीतेंगी इमरान अशरफ से? इमरान से नहीं जीत सकते। इमरान से कोई नहीं जीत सकता। इमरान से नहीं जीत सकते। फिरोज खान से अगर आपका कॉम्पिटिशन हो स्पिरिचुअल बातें करने का तो कौन जीतेगा? फिरोज। आयमा बेग से आपका कॉम्पिटिशन हो इंग्लिश बोलने का तो कौन जीतेगा? He speaks a lot of English. I think I'm a because. जीत जाएगी? फरियाल के साथ आपका डांस का कंपटीशन तो कौन जीतेगा? Oh, that's a tough one. I think मैं. जीत जाओगी ना? हाँ। वो थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट करती है, दीवार पे चढ़ जाती है, बर्फ से उल्टी लटक जाती है, हमें समझ ही नहीं आता ये डांस है कि हमें चिढ़ा रही है। कहें कि ए ए ए ऐसा सीन होता है। मुझे लगता है कि ना जो बात आजकल पूरे ही जमाने में बहुत लैक कर रही है कि डांस में एक यू नो बॉडी लैंग्वेज का बहुत गेम होता है, वो एक अराउंड होनी चाहिए, एक रेजिस्टेंस होनी चाहिए। बिल्कुल सही। अभी आप मुझे देखेंगी, आप भी आपसे सीखना चाहिए। आप देखेंगी किस कैमरे में कह सकते हैं मैं? अरे जिस कैमरे में कहना, दुनिया मानती है इस बात को। यहां से सीखिए आप। एक एक बॉडी हिलती है मेरी तो, अलग अलग साउंड इफेक्ट भी आते हैं उसमें, डोंग डोंग डोंग। मैं वो वाला डांसर हूँ भाई, फुल बॉडी के साथ करता हूँ मैं ये काम। अदरक हो रहा है यार। आपका अलीजे शाह से बदतमीजी करने का कंपटीशन हो तो कौन जीतेगा? वो मुझे लगता है कि किसी से भी हो वो ही जीतेगी। सबसे जीत जाएगी वो, नंबर वन। मुझे आपका अदनान सिद्दीकी से रेसलिंग मैच हो तो कौन जीतेगा? हुआ था कसम खुदा की, हैंड रेसल। लकी अदनान यार, लेकिन वो जीत गए थे। वो ना स्लिपरी किस्म का आदमी, वो तेल लगाता है। अदूद माय फ्रेंड, उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। आई एम श्योर लग ही रहा है सब गलत। काफी हद तक तो मुझे आइडिया हो गया, तो गलत सिखा दिया। अब तो पकड़ा जाता हूँ, दफा पिटाई होती है मेरी। एक काम ढंग का तूने नहीं करवाया मेरे से। दनिश, ये है हमारा गेट टू नो यू राउंड। इसमें वी विल गेट टू नो यू। रेडी मोर? डू वी नीड मोर? हाँ हाँ। अच्छा चलो। किस एक्टर को देख के दिल धक धक करता है? पाकिस्तान में कहीं भी बता दे। पाकिस्तान में जिसका नाम नहीं लेंगे सर इतना बड़ा हो जाएगा, अगली बार आपको ऐसे स्माइल। हाँ, वही लगेगा। व्हाट्सअप व्हाट्सअप फिदा है मेरे पे। नहीं लेकिन आई विश होता कोई ऐसा। शहरा मुनवर इज टाइट। नहीं आप अदील हुसैन इस उम्र में भी इज टाइट। बट यार अगर मैं कहती हूँ क्रिस हेम्सवर्थ कहीं सामने आ जाए तो हार्ट बीट रुक जाए। क्रिस क्रूज जो है ना, इन्हें पाकिस्तान कभी नहीं आना, कभी नहीं आना, कभी नहीं आना उन्होंने, कभी नहीं आना। वो वही ठीक है, तो वो आप वहाँ जाए तो ठीक है। तो लोग मैं तो कहती हूँ या तो मैं जाऊँ या वो आए, तो वो एक ऐसा मोमेंट होगा where I'll be starstruck at the same time। किस एक्टर को देख के दिल धक धक करता है? चलो लोकल खेलो, इंडिया बता दो। ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन हाँ, वो भी मुझे लगता है ब्रैडली कूपर से बहुत मिलता है, उसका देसी वर्जन। हाँ, एंड ही इज आल्सो सिंगल नाउ। रियली? हाँ, में कोई चांस नहीं है उसका ना। अच्छा हाँ, ये ऐसे थिंक पॉजिटिव यार। आप अपने आप को लाइट ले रही हैं ना, ये कैसे किया मैंने? आपने अपने आप को लो पॉइंट, लो पॉइंट। आखिरी बार कब किसी को पीटा था? आई थिंक साल पहले। हैं लड़के को? लड़की को? लड़के को। हैं बदतमीजी कर रहा था। सही किया बिल्कुल, है ना ऐसे जरा आप अनकंफर्टेबल हो दे दे दिया करो, उड़ा कर टच करके गर्दन बता देना। आपको वो जो रेसलिंग में देखती थी ना बचपन में, बड़े काम आती है। गर्दन मोड़ देना था जैसा कि ही डाइज। अब इतना भी नहीं, आप तो ज्यादा जज्बाती हो गए। मैं देखा है कि मेरे बिहाफ पे यहाँ खून ज्यादा खोल रहा है। तो छेड़ा यार कोई? छेड़ा तो छेड़ा कैसे आपने? छोड़ूंगा नहीं मैं किसी को, हाथ लगा के दिखाए। ओके, लड़कों को क्या पहन के सोना चाहिए? व्हाट इज क्यूट? कुछ तो पहन के सोना ही चाहिए यार, अब इतना तो हम भी नहीं करेंगे। बॉक्सर्स आई गेस, कुछ तो पहन के सोना ही चाहिए। बदन बदन हो अच्छी हो तो फिर सिर्फ बॉक्सर्स पहन लो, और ना हो तो फिर पूरा यहाँ वाला नाइट सूट पहन के सोना चाहिए, कोई नजर ना आ जाए ना सोते। हां और उस तरह मुंह करके सो, उस तरह मुंह करके। आखिरी बार आंखों में सुरमा कब डाला था? दो हफ्ते पहले। आखिरी बार सुरमा यू मीन काजल राइट? इट्स द सेम थिंग। हां, आखिरी बार खुल के कब डांस किया था? परसों के होता है ना, कुछ देख रहा नहीं है इस तरह। परसों इंस्टाग्राम पे है वो? नहीं। मुझे वीडियो भेज सकती हैं आप? मैं बिल्कुल क्रीपी नहीं हूँ,
आर्ट की कदर बिल्कुल नहीं है आप। हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे आज तक किसी ने नहीं कहा, आज तक किसी ने ये शिकायत नहीं की, और बड़ी शिकायतें की है लेकिन क्रीपी नहीं है। क्रीपी किसी ने मुझे इल्जाम नहीं लगाया आज तक, उसने कहा है कि हाँ रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स हैं, जेल काट के आया हूँ मैं, लेकिन क्रीपी नहीं है। क्या पिटा बहुत दफा हूँ, लेकिन कभी कभी मर्डर, हाँ बस मर्डर जो है आप छोड़ ही दें यार, किन बातों डार्क बातों में हम जा रहे हैं, बहुत डार्क हो रहा शो। आखिरी बार मुजरा कब देखा था जर्निश? सबने देखा होता है, लोग मानते नहीं है, बट आई एम वेरी वेरी ओपन एंड ऑनेस्ट। नहीं मैं तो देखता हूँ, मेरे शौक ऐसे नहीं है। नहीं शादियों पे हो जाता है कभी कभार के, नहीं मेरा कभी वो हिसाब लगा नहीं मैं ऐसे कभी किसी शादी पे नहीं गई। आपकी बैचलरेट नाइट पे क्या हुआ था? कुछ भी नहीं हुआ था, मेरी बड़ी सैड शादी थी। हाँ क्योंकि एक्चुअली सैड सिर्फ मैं था उस शादी पे नहीं, एक्चुअली मेरी माय मॉम वाज इन द हॉस्पिटल और वो सिचुएशन थोड़ी इस तरह की थी कि माय मॉम जस्ट वांटेड इट टू हैपन एंड वी क्विकली गॉट निकाह फायर एंड केम बैक टू, है ना, सैड हो गए आप। अगर अपने बारे में एक चीज चेंज करनी हो तो वो क्या करेंगे? कुछ भी नहीं, नाक चेंज करा लें, होंठ बड़े बड़े लगा लें, शक्ल में तो कुछ भी नहीं, कभी भी देख लेगा आपको 10 साल बाद भी इंशाल्लाह ऐसी ही। ऐसे वाले होंठ नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए मुझे, द बतख होंठ, सारी बतखें बन गई हैं भाई, मैं तो कहती हूं कैमरा जब साइड पे जाता है ना तो नजर आती है। सॉरी बट सीरियसली दे वर सो प्रिटी, व्हाट हैपेंड? ये है जर्निश राउंड, मैंने स्पेशली आपके लिए बनाया, इसका नाम है बुरे क्यूज। जब कैमरा आप पे नहीं होता, दूसरे पे होता है तो वो बुरे क्यूज देता है ना, हीरो आपका या जो भी। अच्छा इसमें एक किक डाल देते हैं कि आप मेरे ओवर एक्टिंग, मैं वो वाला डायरेक्टर हूँ जो एक्टर्स को कहता हूँ ओवर एक्टिंग करो बेटा, ओवर एक्टिंग ज्यादा नहीं, वो बात नहीं आ रही, वो बात नहीं आ रही, फिर रच करो ओवर एक्टिंग करते हैं, रेडी? ठीक है, ओके आप शुरू करें और मैं आपको बुरे क्यूज, इसके लिए मुझे खड़ा होना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है, मैं आपको दूंगा बुरे क्यूज, सही है, एंड एक्शन। शहरयार, 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 एक और दफा तुमने अगर अपना हाथ उठाया तो मेरा भी उठ जाएगा। किस पे शक कर रही हो, कौन है जिसकी वजह से आपकी लाइन? कसम से ऐसे ही मिल रहे होते हैं आगे से, आपको कैसे पता? मैं वही होता हूं, डायरेक्टर भी तो है। हां सॉरी, तो किससे शक कर रही हो, कहां है यार वो सिगरेट नहीं लाया यार आधे घंटे से, कहां है? हां किससे शक, जैसे करे ना वजह से, इन आंखों में आंसू भी है और सॉरी इन आंखों में गुस्सा, इन आंखों में गुस्सा भी है और आंसू भी। बात मत समझो और ये पेपर भेजने हैं, यार चाय नहीं लाया यार। ये कुछ जर्निश कमेंट्स आए आपके लिए जो मैंने सोशल मीडिया से निकाले, ऑल ऑफ देम आर ट्रू काइंड ऑफ। झांडू 146 कहते हैं जर्निश, पहले तो नाम कैसा है झांडू, दरअसल में जानू और वो जो दूसरा वर्ड होता है ना उसका मिक्सचर है, जानू एंड झांडू, बड़ा क्रिएटिव नाम है यार, आजकल के लोगों का कितना दिमाग चलता है। जर्निश का मुंह उनकी टांगों की तरह जितना लंबा है, क्यों? हाँ, अच्छा कितना बदतमीजी की हद है यार, तो जो इतना बड़ा चकोर है, बल्कि चकोर समोसे की तरह, कहाँ से बड़ा है? हाँ समोसे की तरह चकोर है, ठाश अपना देखिए। ओके अंकल ठरक 799 कहते हैं ये मेड अप नाम है, नाउ आई नो फॉर श्योर, हाँ ये बिका हुआ है। अंकल ठरक 799 कहते हैं मैं आपको मूवी में कास्ट करना चाहता हूँ, फिल्म में हीरोइन और हीरो दोनों आप होंगे। ये मुझे लग रहा है आप ही हैं, एक वीकेंड के लिए, है ना, ये मुझे लगता है छुपके आपने ही कमेंट किया है। अंकल ठरक ये मेरा है ये हैंडल के नहीं है, आई थिंक सो, आई डोंट नो, देयर सो मेनी, या तो करेंगे ये मूवी आप? आखिरी वाली बात नहीं मैंने कहा, फिल्म हीरो हीरोइन दोनों आप करेंगी, हाँ, और एक हाँ हीरो और हीरोइन का रोल दोनों आप करेंगी और एक वीकेंड के लिए मेरी वाइफ का रोल करेंगी। गाना तो मैं खुद ही गा लेता हूँ, आप मेरे अगले वीडियो में मॉडल करें। आपने नोटिस किया होगा कि कपड़े में बहुत कम पहनता हूँ, हाँ कुछ शॉर्ट वर्ड उतार के आ जाते हैं, अरे इंस्टाग्राम लाइव पे भी शॉर्ट शॉर्ट के वगैरह आया हुआ था, किया मैंने नोटिस, नोटिस किया है ना, वो क्या मॉडल करेंगे उनकी वीडियो में, उसी ने उतारे होंगे कपड़े, और सही है, हाँ उन्होंने उतारे होंगे तो फिर कर लूंगी। आई कैंडी, ओके मायरा खान, माहिरा नहीं मायरा खान एक्ट्रेस कहती है यू आर पेंडू एंड आई एम अ बर्गर, ओह दैट वन, बिकॉज आई लिव नियर कालापुल एंड आई थिंक कालापुल पे, आई थिंक हाँ कालापुल पे रहती हैं ये, सो इस पे मैंने क्या कमेंट करना है? ये कैट फाइट कब हुई थी? आई थिंक अभी दो महीने पहले, एक दो महीने पहले, और आई थिंक मैंने इस पर कुछ कहा भी था। हाँ क्या कहा था?
पता नहीं, मुझे याद नहीं है, बट आई जस्ट सेड के आप जीत गई ये फाइट। नहीं, फाइट की बात ही नहीं है, अगेन वही बात है कि एक बीइंग अ सेलिब्रिटी इज अ सोशल रिस्पांसिबिलिटी, उसको अंडरस्टैंड करें। ये वर्बल डायरिया घर वालों के लिए रखें या कोशिश करें ना ही हो कहीं पे। कोई ऐसे हेड ऑन पंगा लेता है तो हटती बहुत है ना इंसान की, कि क्या पब्लिक में कह रहे हो यार ये बात। हाँ, मतलब फिर आप जवाब दो। सिंड्रेला को मैंने मनवा लिया है अपने साथ डांस करने के लिए, और आप लोगों ने देखा है कि मैं बिल्कुल भी क्रीपी नहीं हूँ, क्योंकि मैं वो गे वाइब देता हूँ लड़कियों को, जिससे उनको बिल्कुल लगता है। ये सच्ची बात है वैसे। हाँ, नो। जिनसे वो बड़ा बिल्कुल कंफर्ट लेवल ना ये बना ही लेते हैं। मेरी बारी पैरिस। दिल को लगी है जो दिल की लगी, दिल में ही it's a cut, it's a wrap. मेरी बात तो I'm saving the world. Thank you.